पहुँचे तो पटांग बीच और आप मेरे पीछे देख रहे हैं बीच पूरा तरीका बीच का जो डिस्प्ले है तो यहाँ से शुरू होती है पटांग बीच की जर्नी और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगा बने रहिएगा और आ जाके देखिएगा क्या मज़ा आने वाला है। हेलो गाइस, तो हम हो गए हैं तैयार वापस से और अभी हम जा रहे हैं आपको कहीं घुमाने, तो स्टे ट्यून। मैं पटांग बीच की तरफ ट्राई कर रहा हूँ जाने के लिए फिलहाल, क्योंकि मुझे लंच भी करना है, तो देखते हैं कहाँ पे क्या खाएंगे, लंच खाएंगे कि कुछ शेक्स वगैरह पीते हैं। तो फिलहाल हम जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ पटांग बीच की तरफ। स्टे ट्यून, आपको दिखाते हैं पटांग बीच के ब्यूटीफुल नज़ारे। मुझे लग रहा था बाहर बहुत गर्मी होगी, लेकिन ऐसा है नहीं, बाहर आके मुझे काफ़ी प्लीजेंट सा वेदर लग रहा है। हाँ, थोड़ा ह्यूमिड तो है बिकॉज आप है इस वक्त कोस्टल साइड में, तो कोस्टल में तो है, यहाँ पे हर कंट्री से लोग आए हुए हैं, मतलब मैंने देखा है पूरा इंडिया, ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड है यहाँ पे, तो सभी लोग आ रहे हैं। तो देखते हैं क्वालिटी और अट्रैक्शन पॉइंट्स। तो ये सीधा स्ट्रीट जा रही है पटांग बीच, तो हम वॉक करके पटांग बीच तक जाएंगे, तो यहाँ से सिर्फ 10 से 15 मिनट का रास्ता है जो आपका पटांग बीच तक जाता है। और यहाँ की एक चीज़ बहुत अच्छी है, फ्रूट्स जो है ना, बहुत ही फ्रेश फ्रूट्स हैं, सो यू कैन हैव गुड मैंगो हियर। उसका मुझे मालूम नहीं है, बट सो शी इज़ अ वंडरफुल लेडी हु इज़ सेइंग हेलो नमस्ते। तो बहुत ही फ्रेश फूड्स हैं यहाँ पे। सो विल कम आफ्टर सम टाइम, थैंक यू, बाय। बढ़िया। और ये है मेरे पीछे पंजाबी रेस्टोरेंट जहाँ पे मैं कुछ लंच ट्राई करूँगा वापस अभी आके। तो मुझे लग रहा तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, बट ऐसा कुछ है नहीं, अच्छा वेदर है, फर्स्ट क्लास है। तो ये मसाज पार्लर है और ये चिल पॉइंट है, सो यू कैन हैव लॉट ऑफ ड्रिंक्स। मुझे लगता है मुझे आप लोगों ने देख लिया है, तो चलो आपको बाकी रिजर्व हाई मसाजेस। तो यहाँ पे रेट नेगोशिएशन बहुत ज़्यादा है, तो अपना रेट्स का नेगोशिएशन आप देख लीजिए। ये थीम पार्क है, एक तरह से थीम रेस्ट्रो है, लॉट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, सब नकली है वैसे, लेकिन अच्छा लग रहा है, इट्स गुड वन। जो नॉन ड्रेसेस वाले होते हैं, नॉन ड्रेस में जो ड्रेस कोड में नहीं होते हैं, तो वो थोड़ा चिलम चिट्टी कर देंगे आपसे, पैसा वैसा लगा देंगे, इधर उधर लेके जाएंगे। तो ये थोड़ा ठीक है, दिन हो चाहे रात हो, इस स्ट्रीट पर बहुत कुछ है आपको एंजॉय करने के लिए, सो यू कैन एंजॉय योर फूड, योर ट्रैवल, योर मस्ती। ओ गाइस, मैं छोटी सी वॉक करके यहाँ से स्ट्रीट से मैं आ गया हूँ पटांग स्ट्रीट पर, और यहाँ इसको क्रॉस करेंगे, सो वी फेस टू पटांग बीच। तो ये दिन में बहुत ही शांत है, दिन में थोड़ा मार्केट है, बट रात को यहाँ पे कुछ और ही धमाका, हल्ले हाय हल्ले हुल्ला सब है। दिन में आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो, अपने ड्रिंक्स एंजॉय कर सकते हो। सो चलिए मैं आपको थोड़ा सा रोटेट करके दिखाता हूँ, कैन ट्राई शूटिंग हेयर, थैंक यू। सो दिन में तो ये मार्केट का कुछ और ही नज़ारे होते हैं, यहाँ पे सिर्फ आप शॉपिंग कर सकते हो, दैट्स इट। बल्कि रात में आपके लिए ये मार्केट पूरा ओपन रहता है। सो चलिए थोड़ा मार्केट में देख के आते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे, यू कैन हैव योर कैप, बैग, शूज एंड वॉलेट। मुझे पूरा गोवा का फील आ रहा है यहाँ पे, एब्सोल्युटली गोवा मार्केट जो गोवा के अंदर होती थी।
यू कैन हैव सेकंड का सारी चीज़ें, बैग्स बैग्स अच्छे हैं यार, बैग्स काफ़ी अच्छे हैं सो दैट लेकिन प्राइजेज इनके बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो अगर हम इंडियन करेंसी में इसका बात करेंगे सो हमारे को लगेगा कि हम इससे बेटर वहाँ पे मिल जाएगा, सो इसीलिए यहाँ पे चीज़ें क्लब्स हैं। ये कल रात को मैंने सब आपको दिखाया था, यहाँ पे लाइव चलता है पूरा दिन में और हॉट एंड हैपनिंग फ्रूट्स। चलो कुछ खाया जाए यार, ये पूरा बस अभी 10 मिनट का जर्नी बचा है। नहीं ये तो कुछ और ही है, फ्रूट्स नहीं है, सम काइंड ऑफ नॉन वेज। और ये गन्ने का जूस ऑल्सो यार, तो ये है डे वर्जन ऑफ पटांग स्ट्रीट, बहुत ही पीसफुल था, ओनली शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। और नाइट वर्जन चिल मारो, आराम से बैठो, चिल मारो, एंजॉय करो। दिस इज द प्लेस फॉर एक्चुअली फेस्टिवल, मतलब हॉलीडेज है तो एवरीबडी वॉन्ट्स टू डू दैट। और मुझे भी सुबह सुबह लग रहा था कि मेरे को कुछ हेल्थ में थोड़ा सा लिमिट की वजह से होता, लेकिन अभी मेरा ठीक है, फिट है, रेस्ट किया, तो अभी निकला हूँ मैं घूमने। मुझे लगा इतनी दूर आए तो आपको दिखाए भी ना, थोड़ी ना जाएंगे। वाटर स्पोर्ट्स, मज़ेदार हैपनिंग प्लेस। तो यहाँ से होती है दूसरी स्टार्टिंग पटांग स्ट्रीट की, और ये पूरा स्ट्रीट है, यहाँ पर भी मार्केट है, तो आपके लिए तो मैं पहुंच चुका हूं पटांग स्ट्रीट, पटांग बीच पे, पटांग स्ट्रीट को क्रॉस करके। तो ये है मेरे पीछे, आप देख रहे हैं पटांग बीच। तो आइए आराम से इसको एक्सप्लोर करते हैं, और जैसे कि आपको ओशन साइड में ठंडी ठंडी हवाएं मिलती हैं, तो वैसे ही यहां पे शुरुआत है। सो दिस इज पटांग बीच। गर्मी थोड़ा सा दिन में रहती है, बट उतना भी नहीं रहता कि आप यहाँ पे एंजॉय ना कर पाओ। सो लुक एट द 360 डिग्री व्यू, वाह क्या बात है। और चलिए थोड़ा एंजॉय करते हैं, आपको दिखा इसके नज़ारे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, ये देखो ये आया हमारा एक भाई आराम से सेल करके, क्या बात है, क्या बात। 300, 2000, 2500 and not more. वो देखो, अगर आपको अंदर जाना है तो आप अंदर। Nobody, thanks buddy. So एक साइड beautiful, look at that, beautiful mountains, और ये पूरा समुद्र, प्यारा सा समुद्र। और उधर भी देखो पूरा, और ये स्पीड बोट्स। और ये चले भैया जी हमारे दूसरे वाले, और वो वहां से उसको पुल कर रहे हैं, और ये यहाँ से जा रहे हैं हवा के अंदर, क्या बात है। तो ये स्कूटर्स, तो अब गर्मी ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल, बिकॉज मज़ेदार मज़ेदार जगह है। और चलो थोड़ा पैरों को गीला करके आ जाए। तो गाइज अब पहुंच चुके हैं पटांग बीच में, और अब थोड़ा सा ठंडे ठंडे पैर करने का टाइम आ गया है। सो ये मेरे पीछे देखे हैं आप, और
वाओ बड़ा प्लेस। दोनों साइड हैं तो दोनों साइड में बैठने का पूरा अच्छा चिल करने का दिया हुआ है, इधर भी और मेरे पीछे भी। तो चलिए हम थोड़ा वॉक करके आते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं ब्यूटीफुल मोमेंट्स। लाइव बर्ड्स भी हैं, तो ये रेस्टोरेंट्स हैं और ये कुछ लोग नीचे बैठे हैं और कुछ लोग वो देखो वो उसको फ्लाई करा के लेके आ रहे हैं। बहुत दूर तक है और ऐसा सच बच्चों का मस्ती अपना अलग चलता है। तो वो बच्चे लगे हुए अपने दिस इज फॉर दोज जो कि चिल मारना चाहते हैं और एंजॉय कर रहे हैं वेदर को। यहाँ थोड़ा गर्मी लगता है तो अंदर चले जाते हैं और फिर वापस से ये घुस जाते हैं पानी के अंदर। जिसको स्विमिंग नहीं आती है भाई वो लोग मत जाना बिकॉज वेव्स बहुत अच्छी हैं। और ये पीछे रेस्टोरेंट्स हैं जो सर्विस करेंगे इन लोगों को। और ये सब लोग क्योंकि ये शाम को मुझे लगता नहीं ये वाटर स्पोर्ट्स वगैरह होता है। वाटर स्पोर्ट्स अगर है आपको तो दिन में ही आना पड़ेगा।